फ्रेंड्स, हम लोग बिजनेस वर्कशॉप्स करते हैं जिसका नाम है बिजनेस बूस्टर। और इसमें संपूर्ण भारतवर्ष से बहुत सारे बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, होलसेलर, सप्लायर, इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर पार्टिसिपेट करते हैं। जितने भी लोग उनमें से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं करते, जब मैंने उनसे पूछा कि आप विदेश व्यापार क्यों नहीं करते, तो बहुत सारे लोगों का जवाब था कि सर, हमारे पास ऐसे एम्प्लॉय नहीं है, सर, हमें इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की कोई नॉलेज नहीं है, सर, हमारा ऐसा सर्कल नहीं है जहां पर लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हों, क्योंकि सामान्यतः लोग वही काम करते हैं जिस तरह का काम उनके सर्कल में होता है। फ्रेंड्स, आज से 2 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने जानकारी दी थी कि विदेश व्यापार कैसे शुरू किया जाए, और बहुत सारे कमेंट्स को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि शायद ये इन्फॉर्मेशन मुझे आप लोगों से दोबारा शेयर करनी चाहिए। आज हम बात करेंगे कि विदेश व्यापार कैसे करें, हाउ टू स्टार्ट इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, नाइदर अ लीडर नॉर अ ब्यूरोक्रेट हैव पावर टू कन्वर्ट इंडिया इंटू द सुपर पावर कंट्री। भारत के किसी भी नौकरशाह में या राजनेता में ये शक्ति नहीं है कि भारत को एक सुपर पावर कंट्री के रूप में बनाकर विश्व में अपना परचम लहरा सके। ये शक्ति है तो भारत के बिजनेसमैन में, और ये शक्ति है तो एक भारत के बिजनेसमैन में जो विदेश व्यापार करता है। क्योंकि जब हम विदेश व्यापार करते हैं तो विदेश का पैसा हमारे देश में आता है और हमारे देश की करेंसी की वैल्यू निरंतर बढ़ती जाती है। तो आइए आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं हाउ टू स्टार्ट इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट से। फ्रेंड्स, मेरा कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिस ना हो, इसके लिए मैं टास्क क्लब के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, क्योंकि आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फ्रेंड्स, जब हम देश व्यापार और विदेश व्यापार की बात करते हैं तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि देश व्यापार विदेश व्यापार से ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि भारत सरकार ने किसी भी तरह का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई रूल एंड रेगुलेशन डोमेस्टिक ट्रेड के लिए नहीं बनाई। जबकि जब हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं, जब हम विदेश व्यापार की बात करते हैं, तो हमारे देश की सरकार और उस देश की सरकार जिसके साथ आप विदेश व्यापार करना चाहते हैं, उनके बीच में एक बिजनेस ट्रेड एग्रीमेंट होता है, जिसके आधार पर यह निर्धारित किया जाता है कि कौन कौन सी वस्तुएं किस किस टैक्स वैल्यू पर, कौन कौन सी वस्तुएं कितनी कस्टम ड्यूटी पर, कौन कौन सी वस्तुएं कितनी एक्साइज ड्यूटी पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की जाएंगी, और किस समय पर किस पर कितनी ड्रॉबैक ड्यूटी मिलेगी, और किस किस प्रोडक्ट की इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने पर आपको सब्सिडी भी प्राप्त हो सकेगी। फ्रेंड्स, विदेश व्यापार में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत सारे अच्छे रूल एंड रेगुलेशन डेवलप किए हुए हैं, क्योंकि हमारे देश में उस देश के कानून नहीं चलते जहां हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और उनके देश के कानून हमारे देश में नहीं चलते। इसीलिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेस पर एक बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन किया हुआ है जिसके अंतर्गत हमें विदेश व्यापार करना होता है। ध्यान से समझिएगा, जहां जहां हमारे देश में समुद्र का हिस्सा नहीं लगता, वहां पर आईसीडी बना होता है, इनलैंड कंटेनर डिपो। एक ऐसा डिपो जो आपकी फैक्ट्री से, आपके ऑफिस से, आपके शोरूम से आपका मटेरियल आईसीडी तक हम पहुंचाते हैं, और आईसीडी से वो मटेरियल वहां पहुंचता है जहां जहां पर बंदरगाह बने हुए हैं, और वहां से एक बार माल पहुंचने के बाद, वो शिप पर अपलोड होने के बाद, वो मटेरियल उस देश में पहुंच जाता है जहां आप उसको पहुंचाना चाहते हैं। साथ ही साथ विदेश व्यापार में पैसा कभी नहीं डूबता, क्योंकि विदेश व्यापार में दो देशों की नीतियां शामिल होती हैं। यदि हमें सही रूल एंड रेगुलेशन पता हो, हमें पैसा रिकवर करने का सही तरीका पता हो, मटेरियल सेल करने का सही तरीका पता हो, तो विदेश व्यापार में पैसा डूबने की संभावना ना के बराबर होती है। क्योंकि यदि आप उसको इंश्योर्ड करते हैं या आप बैंक गारंटी के साथ करते हैं, तो विदेश व्यापार में आपका पैसा कभी नहीं डूबता। उस देश में जो बायर आपका मटेरियल खरीद रहा है, वो आपको पेमेंट करे या ना करे, यदि वो निश्चित समय अवधि में पेमेंट नहीं करता, तो बैंक या इंश्योरेंस कंपनी जिसने इंश्योरेंस किया था या आपकी पेमेंट की गारंटी दी थी, वो आपकी पेमेंट रिलीज करता है। इसीलिए विदेश व्यापार करना ज़्यादा सेफ और सुरक्षित होता है। आपको ये समझना होगा कि विदेश व्यापार करते समय हमें किस तरह के प्रावधानों का पालन करना होता है, क्या क्या रूल एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं, और उसके बेसिक स्टेप्स क्या होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं विदेश व्यापार करने के प्रारंभिक स्टेप्स। बहुत सारे व्यापारी जो इंग्लिश नहीं जानते या ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड नहीं है, उनके माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि यार, मैं तो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं तो हाईली एजुकेटेड नहीं हूँ, मुझे तो इंग्लिश नहीं आती, तो मैं विदेश व्यापार कैसे करूँगा। फ्रेंड्स, आप एक बात को अच्छी तरह समझ लीजिएगा, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा अंग्रेजी भारत में बोली जाती है, जबकि विदेश व्यापार में चाइना जैसा देश बहुत आगे है, जापान बहुत आगे है, जर्मनी बहुत आगे है, और इन सभी देशों में भी इंग्लिश नहीं बोली जाती। चाइना अपनी लैंग्वेज में ट्रेड करता है, जापान जैपनीज में ट्रेड करता है, जर्मनी जर्मन लैंग्वेज में ट्रेड करता है। तो समझ लीजिए कि लैंग्वेज इज नॉट अ बार,
आपकी भाषा या इंग्लिश आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत बड़ा बार नहीं है। और आज के समय पर तो आप एक ग्रेजुएट, एक इंग्लिश एकेडमी से ग्रेजुएट पर्सन भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की इंफॉर्मेशन को रीड एंड अंडरस्टैंड करने के लिए हायर कर सकते हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा, सूरत में मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, वहाँ के बहुत सारे मारवाड़ी, वहाँ के बहुत सारे सूरत के लोग, गुजराती जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, वो वास्तविकता में बहुत सारे लोग उनमें से अंगूठा टेक हैं, बिल्कुल एजुकेटेड नहीं है, उसके बाद भी 100-100 करोड़, 200-200 करोड़, 500-500 करोड़ और कई हज़ार करोड़ का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट व्यापार करते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से आए हैं, फर्क इस बात से पड़ता है आप अपने जीवन में कहाँ पहुँचना चाहते हैं। फ्रेंड्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले आपका एक बैंक अकाउंट होना चाहिए और साथ ही साथ एक फर्म होनी चाहिए या कंपनी होनी चाहिए या सोसाइटी होनी चाहिए या ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जिसके नाम से आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करेंगे। मान लीजिए आप एक सोल प्रोप्राइटर हैं तो सोल प्रोप्राइटरशिप आपकी फर्म का एक नाम होगा, उस फर्म के नाम से बैंक अकाउंट आपका होगा। और कोशिश कीजिए आपका बैंक अकाउंट ऐसे बैंक में हो जो फॉरेक्स में डील करता हो, मतलब फॉरेन एक्सचेंज में डील करता हो। आज बहुत सारे बैंक्स फॉरेन एक्सचेंज में डील करते हैं, जैसे अगर बात करूं HDFC की बहुत सारी ब्रांचेज फॉरेन एक्सचेंज में डील करती हैं, SBI की बहुत सारी ब्रांचेज फॉरेन एक्सचेंज में डील करती हैं। उसके बाद आपको अप्लाई करना होगा IEC इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कोड, एक तरह से ये लाइसेंस होता है जो आपको परमिट करता है आप विदेश व्यापार कर सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस लेने के बाद आपको उस लाइसेंस की एक कॉपी अपने बैंक अकाउंट में सबमिट करनी है ताकि आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस के साथ वो बैंक अकाउंट अटैच कर दिया जाए। उसके बाद आपको उस ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप लेनी है जो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल आपके प्रोडक्ट और सर्विस में हो। जैसे मैं अपनी इंडस्ट्री की बात करूं तो हम लोग स्टेनलेस स्टील मॉड्यूलर किचन्स का बिजनेस करते हैं और उसको एक्सपोर्ट करते हैं, तो जो हमारी इंडस्ट्री हुई वो स्टील इंडस्ट्री हुई, तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया उसमें एक डिवीज़न होगा जो स्टील इंडस्ट्री में डील करता होगा, स्टील ट्रेड में डील करता होगा। वहाँ की मेंबरशिप लेने के बाद आपको बहुत सारा डेटा शेयर होता है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर होती है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा हाउ टू फाइंड आउट इंटरनेशनल बायर, और अगली वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि विदेश व्यापार में ग्राहक कैसे ढूंढा जाए और ग्राहक ढूंढने के बाद आपके स्टेप्स ऑफ सेलिंग क्या होंगे, मटेरियल कैसे आप ऑर्डर रिसीव करेंगे, कैसे आप मटेरियल डिस्पैच करेंगे, कैसे आप पेमेंट रिसीव करेंगे, और एक बार विदेश व्यापार करने के बाद निरंतर विदेश व्यापार करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं तो हमारे बिजनेस बूस्टर प्रोग्राम की सीरीज में आएं, उस वर्कशॉप की सीरीज में आएं जहां पर हम सारे बिजनेसमैन के साथ, सारे मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, इंपोर्टर और एक्सपोर्टर्स के साथ एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, कौन सा डॉक्यूमेंटेशन कैसे होगा, उसका प्रोसीजर क्या होगा, कौन सा रजिस्ट्रेशन कहाँ से होगा, DGFT की साइट में कौन कौन सी जगह हमें लॉगिन करना होगा, कौन से डिपार्टमेंट से कौन सा सर्टिफिकेट निकालना होगा, और उसके बाद विदेश व्यापार करते समय कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, पेमेंट की सिक्योरिटी कैसी होगी, ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकली हमारी बिजनेस बूस्टर वर्कशॉप में सीखते हैं। आप ही की तरह बहुत सारे बिजनेसमैन रेगुलर हमारी वर्कशॉप्स में आते हैं, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो केवल डोमेस्टिक ट्रेड करते थे, लेकिन धीरे 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 सारे चीज़ों को, सिस्टम को समझने के बाद उन्होंने भी विदेश व्यापार करना शुरू कर दिया। आप लोग हमारी उस वर्कशॉप में आएं और विदेश व्यापार शुरू करें और अपने देश का नाम पूरे विश्व में परचम की तरह लहराएं। अगर आप बिजनेस बूस्टर वर्कशॉप की सीरीज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो अभी दिए हुए नंबर पर कॉल करें और पता करें कि हमारे सीरीज का अगला प्रोग्राम कब है। ये प्रोग्राम हम संपूर्ण भारतवर्ष में करते हैं। यदि आप अपने व्यापार को न केवल अपने देश में बल्कि पूरे विश्व तक ले जाना चाहते हैं तो विदेश व्यापार जरूर करें। विदेश व्यापार करने के बाद आपको ये पता चलता है कि यही वो राइट मेथड है जो मेरे बिजनेस को वर्ल्ड वाइड एक्सपेंशन पर ले जा सकता है। फ्रेंड्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में एक विशेष बात मैं आपको जरूर बताना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, मैं अपने जीवन में केवल उन्हीं ट्रेनिंग्स को लोगों के साथ शेयर करता हूँ जो प्रैक्टिकली अपनी इंडस्ट्री में, अपनी कंपनी में या अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर चुका होता हूँ। आज से 4 साल पहले मैंने अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हाउस शुरू किया और आज मेटास ओवरसीज लिमिटेड कंपनी इंडिया की एक लीडिंग कंपनी है जो संपूर्ण विश्व में अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है। विदेश व्यापार की एक खास बात और भी है, यहाँ पर प्राइस टैग अलग अलग देश में अलग अलग तरह का होता है क्योंकि हर देश में अलग तरह से करेंसी की वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है और हर देश में एक्सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट की सब्सिडी बिल्कुल डिफरेंट होती है, ड्रॉबैक ड्यूटी बिल्कुल डिफरेंट होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट, विदेश व्यापार करने में पैसा तो बिल्कुल भी नहीं लगता क्योंकि जब आप डोमेस्टिक ट्रेड करते हैं और आपको कोई ऑर्डर मिलता है तो शायद ही आपको कोई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन मिले जो आपको फंड प्रोवाइड करे।
लेकिन एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलने के बाद, एक्सपोर्ट ऑर्डर का लेटर रिसीव होने के बाद, आपको बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस उस एक्सपोर्ट ऑर्डर के बिहाफ पर फंडिंग करने के लिए तैयार हो जाती हैं। जैसे एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया ने बहुत सारे बैंक्स को आइडेंटिफाई किया हुआ है, जो बैंक्स आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर के लिए फंडिंग कर देते हैं, प्रोडक्शन के लिए फंडिंग कर देते हैं, मटेरियल रेडी करने के लिए फंडिंग कर देते हैं। हर देश में अलग अलग प्राइस होने की वजह से आपके प्रॉफिट का जो रेशो है वो भी बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट होता है। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि आपके सर्कल में कोई नहीं करता। जब आप इस इन्फॉर्मेशन को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करेंगे, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, तो बहुत सारे लोगों के मन में एक इनिशिएटिव जागेगा कि हमें भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट शुरू करना है। और धीरे 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 आपके सर्कल में वो सारे लोग होंगे जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते होंगे। इसीलिए मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से अपने बिजनेस फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ और अपने रिलेटिव्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। इसी के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जीवन में हमेशा व्यस्त रहें, विदेश व्यापार शुरू करें और निरंतर विदेश व्यापार करते रहें। मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, जय भारत।